नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। CFMA के सेकेंड एनिवर्सरी पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और चिकुंडा पुलिस धनवाद को सम्मानित करने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से हमारा मैसेज जनता के लिए है कि कम से कम इस पैंडमिक में अभी भी सामाजिक डिस्टेंस को मेंटेन करें और जो भी एडवाइजरी दी गई है उसको फॉलो करें। अभी भी वैक्सीन से हम लोग बहुत दूर हैं। कृपया, अनुरोध है आपके माध्यम से सभी को, मैं अनुरोध करता हूं कि इसको मेंटेन करें। धन्यवाद सर। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा था, इसके लेकर लॉकडाउन किया गया था, तो चिरकुंडा थाना जो है आपका बॉर्डर पे पड़ता है बंगाल झारखंड के, तो आप लोगों को सर क्या चुनौतियां रही उस दौरान? सबसे बड़ी बात थी कि चूंकि हमारे यहाँ और बंगाल चूंकि एकदम क्लोज बॉर्डर पे है, तो सबसे चुनौती के रूप में हम लोगों ने लिया है कि जैसे कि मजदूर और जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जो जितने प्रतिष्ठान हैं, नेचुरली उनके आने और जाने में जो असुविधाएं हुई, इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। लेकिन ये चूंकि जरूरी था उनको रोकना, तो एक तो ये समस्या थी। दूसरी बात थी कि जो भी बंद हो जाने के कारण लॉकडाउन में बहुत सी खाद्यान्न सामग्री ना इधर से उधर गई, लोगों को खाने का दिक्कत हुआ, लोगों को कम्युनिकेशंस में दिक्कत हुआ। इस कारण हम लोग ने बहुत लोगों को अपने स्तर से कम्युनिटी पुलिसिंग कर उसको मदद किया है, और बगल वाले जो थाना क्षेत्र के हैं बंगाल के, उनसे कोऑर्डिनेशन करके, उनसे भी मदद लेकर के हम लोगों ने जनता के बीच में ये पहुंचाया है। सर, चिरकुंडा थाना क्षेत्र के लोगों का कैसा सहयोग रहा पुलिस के साथ में? मोटा मोटी ठीक था, बहुत ही सहयोगपूर्ण रहा। जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग थे, सुबह शाम हम लोग से कुशलक्षेम पूछते थे और बॉर्डर पे आकर के सभी का रख रखाव, साफ सफाई का ख्याल करते थे। और बगल के भी राज्य के, पड़ोसी राज्य बंगाल के भी लोग वहाँ से आकर के, पत्रकार बंधु लोग आकर के एक टीम भावना की तरफ से सभी लोगों ने काम किया है वहाँ पे, और जिसकी वजह से बहुत हद तक हम लोग उनके सहयोग से और यहाँ के लोगों के सहयोग से इस पर हम लोगों ने कंट्रोल किया है।